स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर से जान गंवानी पड़ती है, जबकि बहुत सारे लोग अभी भी बीमारी से जूझ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। हालांकि अधिकतर लोग नहीं जानते कि ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक फूड्स उतने ही अच्छे हैं जितनी दवा। आपके लिए प्राकृतिक फूड्स की लिस्ट बताई जा रही है जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है। केला। हमें बाजार में केला रोज़ाना दिखाई देता है, लेकिन हम नहीं जानते कि फल में बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, यानी एक ऐसा मिनरल जो हाइपरटेंशन नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। मात्र एक मध्यम आकार के केले में करीब 422 मिलियन पोटेशियम पाया जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक पोटेशियम सोडियम के प्रभाव को कम करता है और रक्त वाहिकाओं की दीवारों में तनाव दूर करता है। तरबूज। बाजार में रोज़ाना नज़र आने वाला किसी अन्य फूड की तरह तरबूज में सिट्रलाइन नामक एमोनियो एसिड होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। सिट्रलाइन शरीर की नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन करने में मदद करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है और धमनियों में लचीलेपन को सहायता करते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। लहसुन। हम सभी जानते हैं कि लहसुन कितना महत्वपूर्ण हो गया है और हाइपरटेंशन कम करना उसमें से एक है। लहसुन एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटी फंगल फूड है। उसका मुख्य सक्रिय घटक एलिसिन अक्सर स्वास्थ्य से जुड़े फायदों के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ रिसर्च में सुझाया गया है कि लहसुन शरीर के नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है जो चिकनी मसल्स को आराम और रक्त वाहिकाओं को पतला करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर से सुरक्षित पक्ष पर होने के उद्देश्य से आप मात्र इन तीन फूड्स को खाते रहें और आपके किसी हाइपरटेंशन टेस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।